हेलो दोस्तों, सूरज कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HP कलर लेजर जेट 100 M175A प्रिंटर के बारे में। यह प्रिंटर बहुत ही महंगा प्रिंटर होता है और हर कोई इस प्रिंटर को रिपेयर भी नहीं करता है। दिल्ली NCR में अगर आप देखोगे तो केवल सूरज कंप्यूटर ही इस प्रिंटर को रिपेयर करते हैं। और इस प्रिंटर में कलर लेजर जेट प्रिंटर होता है, तो इसमें जो टोनर डलता है वो भी हमारा टोनर पाउडर ही डलता है। तो आज हम इस प्रिंटर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। इस प्रिंटर में प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें टोनर पाउडर डलता है और कलर लेजर जेट प्रिंटर बहुत ही कम आते हैं। तो इस तरह की इस प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। ये प्रिंटर फ़ोटो के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी हम आपको एक कमांड देकर दिखा रहे हैं कि इस प्रिंटर की क्वालिटी कैसी होती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंटआउट निकल के आया है, और ये देखिए क्या मस्त क्वालिटी इस प्रिंटर की होती है। हमारे पास जब ये प्रिंटर आया था तो इस प्रिंटर में प्रिंटिंग नहीं हो रही थी, जो इसके कार्टेज में भी प्रॉब्लम थी और प्रिंटर का जो सेंसर था उसमें भी प्रॉब्लम थी, जिसको कि हमने रिजोल्व कर दिया है। ये प्रिंटर जो है फोटोग्राफर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो फोटोकॉपी और फोटो करके देते हैं। तो इस तरह से ये प्रिंटर बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और अभी हमारी जो टेक्नीशियन है वो आपको दिखाएंगे कि इसमें जो कार्टेज लगती है वो कैसी कार्टेज लगती है। ये आप देखिए, टोनर कार्टेज होती है इस तरह की, जैसे लेजर जेट प्रिंटर में होती है। ये इसकी ब्लैक कार्टेज है और यहाँ पर आप देखिए कि इसमें टोनर ही डलता है। और ये और दूसरी जो रिमेनिंग 3 कार्टेज है, इसमें 4 कार्टेज लगती हैं और जो 3 कार्टेज हैं वो भी अंदर ही हैं। तो इस तरह की कार्टेज इसमें लगती है। अगर आपको इस तरह की किसी भी प्रिंटर में कलर लेजर जेट हो, लेजर जेट हो, कोई भी प्रिंटर हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सूरज कंप्यूटर से कॉल कर सकते हैं और हम आपको इस तरह के प्रिंटर की सर्विस आपके घर पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप हमारे सर्विस सेंटर पर लेकर आना चाहें तो वहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि इस तरह के प्रिंटर को में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम उसको कमेंट में जो कमेंट करेगा उसका भी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।